राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संविदा डाटा ऑपरेटरों का अनिश्चितकालीन धरना। संविदा डाटा कर्मी वेतन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। डाटा कर्मी 25 अगस्त से बैठे हैं धरने पर। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में बीए बीएड बीएससी बीएड बीए एलएलबी बीपीटी बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य प्रबंधकीय संविदा कर्मिक पब्लिक हेल्थ मैनेजर व अकाउंटेंट कम डाटा मैनेजर और ऑपरेटरों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। डाटा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें 8 से 10 हजार रूपये का वेतन मिल रहा है और अधिकांश कर्मी जिले के बाहर के मूल निवासी हैं, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कर्मियों का कहना है कि अल्प वेतन देकर सरकार उनका शोषण कर रही है, इसलिए सरकार से कर्मियों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वे आगे भी इसी प्रकार डेटा प्रेषित नहीं करेंगे और लगातार धरना देते रहेंगे। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग आई बी टी यू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सर, हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर है पब्लिक हेल्थ मैनेजर। हम लोग 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पे चल रहे हैं और इसके बारे में हमने पूर्व में सूचना दी थी कलेक्टर साहब को भी, हमारे CMHO साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं हम कि या तो हमारी मांगों का निस्तारण किया जाए अन्यथा हम 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पे चले जाएंगे। लेकिन आज हमारी सामूहिक अवकाश का 9वां दिन है, अभी तक सरकार से हमारी कोई वार्ता नहीं हो पाई है, ना ही उनकी तरफ से कोई इस विषय में संज्ञान लिया गया है। सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सामूहिक अवकाश पर ही रहेंगे। हमने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कोरोना काल में भी अपना सहयोग प्रदान करा पूरा, हमने हम पब्लिक हेल्थ मैनेजर और अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारे द्वारा ही सारा रिपोर्टिंग कार्य किया जाता है पूरे से, और पिछले 5 वर्षों से हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं। सभी की मांगे पूरी की जाती है, सभी के बारे में सुनवाई की जाती है, लेकिन प्रबंधकीय जो कर्मचारी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, शुरू से ही उन्हें दरकिनार किया गया है। हम 8 से 10 हजार रुपए में अपना घर चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इसके अलावा हमें 1 से 2 जगह भी डेपुटेशन पे प्रतिनियुक्ति पे लगाया जाता है, जिससे भी हमारा शोषण होता है, क्योंकि 28 PSC और CSC हो गई है अजमेर में और हम हैं अभी 9 अकाउंटेंट हैं और 10 पब्लिक हेल्थ मैनेजर हैं। इन्हीं के द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है, इन्हीं को प्रतिनियुक्ति पे 1 से 2 जगह पे लगाया जा रहा है, जिससे भी हमारा शोषण है। गरिमा खिलाने अकाउंटेंट कम डेटा। हाँ जी, हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से हैं, हमारे को आज 9वां दिन हो गया, हम लोग सामूहिक अवकाश पर हैं और सरकार हमारी आज भी नहीं सुनी है, इसलिए हमने आज सरकार से निवेदन किया है, हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना करी है कि भाई हमारी जो मांग है वो मांगी जाए और हमारा जो नियमितीकरण है वो प्रक्रिया पूरी करे और जब तक हमारा मानदेय संशोधित करके वो बढ़ाया जाए थोड़ा। क्या मांगे आप? वेतन विसंगति दूर करें पहले तो, और दूसरा नियमित करें, जो कमेटी बनाई है उसको केवल कागजों में बनाया है और वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस कमेटी द्वारा नियमित नहीं हुआ है। सरकार को आज 2 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी मेहनत जो कोरोना काल में हम लोगों ने करी है और हम आगे भी करेंगे, उसके लिए हम आज भी तैयार हैं, लेकिन हमारी भी तो सरकार सुने, हमारा जो जब तक नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी हो, जब तक हमारा वेतन विसंगति के तो दूर करे सरकार, वो बढ़ाया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। आंदोलन कब से जारी है आपका? हम 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर हैं, इससे पहले भी हमने स्वास्थ्य अधिकारी को, कलेक्टर को इनको ज्ञापन दिया था, उनको सूचना दी थी कि 25 अगस्त को हम लोग सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, कृपया करके हमारी जो मांग है, जायज़ मांग, उसको पूरा करें। ललित, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से अकाउंटेंट इनकम डेटा एंट्री ऑपरेटर।